हेलो हाय नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू रॉयल आईएएस एकेडमी के इस चैनल पर, जहां इन डेप्थ न्यूज एनालिसिस करते हैं आप और हम इन व्यू ऑफ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे इन आवर ऑन फेयर इज कोट्टयम इडुक्की वर्स हिट केरला रेन टॉल एट 27। ये विंटर सीजन चल रहा है, अक्टूबर का महीना है और केरला में रेनफॉल हो रहा है। आपको पता होगा कि विंटर रेन का रीजन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को माना जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को अभी सेट होने में टाइम है। हम इंटरेस्टेड होंगे केरला में होने वाली बारिश के रीजन में, ज्योग्राफिकल पोर्शन को हम कवर करेंगे इस न्यूज के मीडियम से। वी आर इंटरेस्टेड ओवरऑल कि रीजन क्या है अभी अनसीजनल बारिश होने का। उसका रीजन बहुत ही क्लियर है, एक तो अरबियन सी में लो प्रेशर डेवलप हुआ। व्हेन देयर इज लो प्रेशर इन अरबियन सी, देयर विल बी रेन इन साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वो केरला हो, तमिलनाडु का पोर्शन हो, तेलंगाना तक। दूसरा रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेन लेकर आता है, लेकिन वो अभी सेट नहीं हुआ है। सो राइट नाउ द वनली रीजन कि केरला में इतनी भारी बारिश हो रही है, उसका रीजन है कि अरबियन सी में लो प्रेशर का डेवलप होना। जनरली गर्मी के मौसम में जो रेनफॉल होता है इंडिया में, उसका रीजन होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। आपको पता होगा अपने यहाँ दो मॉनसून रेन लेकर आता है, एक साउथ वेस्ट मॉनसून और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून गर्मी के मौसम में रेनफॉल, गर्मी के बाद वाला रेनफॉल लाता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंटर में रेनफॉल लाता है। एक और रीजन जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून का ये सितंबर और अक्टूबर का महीना विथड्रॉल का होता है। तो क्या ऐसा कहा जाए कि विड्रॉ नहीं अभी हो पाया है? नहीं, ये भी रीजन नहीं है। साउथ वेस्ट मॉनसून का विड्रॉल केरला में होने वाले बारिश से कोई रिलेशन नहीं रखता है। द वनली रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल इन केरला इज डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन अरबियन सी। ये न केवल आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल पोर्शन में, बल्कि मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट में पार्ट में रेन होने का रीजन डिफरेंट डिफरेंट होता है। सपोज ला नीना और अल नीनो, ये जो दो फिनोमेना है पैसिफिक वाले, कौन कौन से, ला नीना एंड अल नीनो, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ला नीना के कारण इंडिया में हैवी रेनफॉल होता है, मॉनसून बहुत अच्छा जाता है। अगर ला नीना आए किसी ईयर में और जिस ईयर में अल नीनो आए, उस ईयर में ओवरऑल इंडिया में मॉनसून वीक होता है, ठीक है। अब सवाल है कि क्या पूरा केरला इफेक्टेड है? नहीं, केवल साउदर्न पार्ट जो केरला का है, आप देख सकते हैं कोट्टयम साउथ केरला में पड़ता है, इडुक्की साउथ केरला में पड़ता है, यहाँ पे वर्स रेनफॉल हो रहा है। और इसका रीजन होगा फिर लैंडस्लाइड, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया होते हैं, माउंटेन्स एरिया होते हैं, वहां से फिर वो पत्थर वाली जो चट्टाने होती हैं, रॉक्स होते हैं, वो कट करके नीचे गिरने लगते हैं। तो लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, मड स्लाइड, ये सारे फिनोमेना हैवी रेनफॉल से एसोसिएटेड हैं। ये प्लेन एरियाज में नहीं होते, प्लेन एरियाज में पहाड़ नहीं होते, प्लेन एरियाज में ऐसे रॉक्स स्लोप पे नहीं स्लिप करते। बाकी जो डेथ वगैरह है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विथ वेरी डीप सॉरी, अपने इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है कितनी डेथ हुई है। रिग्रेशन जरूर है, डेथ नहीं होनी चाहिए। अब के टाइम में इतना एडवांस IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने आप को बोस्ट करता है, फिर पहले से पब्लिक को मिल जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। एनीवे, NDRF टीम भेजी गई है, नेशनल डिजास्टर जो फोर्स होती है अपनी, रेस्पॉन्स फोर्स, वो भेजी गई है, आर्मी को बुलाया गया है। NDRF के बारे में आप जरूर पता कर लें, ये जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसका एक पार्ट है ना, 2005 वाले का। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। UAV बूस्ट आर्मी वॉच इन ईस्टर्न सेक्टर। UAV का मतलब होता है अनमैंड एरियल व्हीकल, जो व्हीकल का ही काम करता है बट उसे ड्राइव करने के लिए कोई उसके अंदर नहीं होता है, ये जस्ट
साइज में बहुत छोटा होता है बट काम पूरा करता है विद यूजिंग कैमरा। एक नाम है इस यूएवी का, हीरोन वन। कभी कभी पेपर में प्री में पूछ दिए जाते हैं कि हीरोन वन क्या है, तो ये एक यूएवी है जो आर्मी ने अपने बाउंड्री लाइंस को सिक्योर करने के लिए, वॉच करने के लिए डिप्लॉय किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है डीप इन एयर क्वालिटी स्पॉर्स दिल्ली सीएम टू सिक एक्शन। डीप इन एयर का मतलब है, डीप इन एयर क्वालिटी का मतलब है एयर क्वालिटी वर्स हो गया है। मींस जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये 400 से ज्यादा के रेंज में पहुंच गया है। आपको याद होगा यूएसए में एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में मेजर किया जाता है। 0 है फाइन, 50 है एक्सट्रीम। इंडिया में 0 से 500 और एवब मेजर किया जाता है, और 300 से 400 के बीच में अगर AQI आता है तो उसे वर्स माना जाता है। मीन्स उसके कारण फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वगैरह होगा। एयर से रिलेटेड, एयर क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं, कई बार लॉन्च किया गया है। रिसेंटली जो लॉन्च किया गया था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका नाम है नेशनल क्लीन एयर, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम, नाकप, NACP, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। इसमें स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड्स को, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड SPB, इन्हें राइट्स दिए गए हैं कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करें और उसे अप्लाई करवाएं, और आवरली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर एयर को मॉनिटर किया जाए। आपको ये भी मालूम होगा कि एयर मॉनिटरिंग का मतलब अबाउट 12 पार्टिकुलेट मैटर्स, गैसेस एंड सम मेटल्स लाइक लेड, इन सब का मॉनिटरिंग करना होता है। जब हम कहते हैं कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा रहा है, हमारा सीधा सा मतलब होता है कि एयर में प्रजेंट उन एलिमेंट्स को, उन कंपोनेंट्स को मॉनिटर करना है जो इफ ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, PM2.5, PM10, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर के 12 कंपोनेंट हैं एयर के, जिनके कारण एयर को पॉल्यूटेड माना जाता है। AQI स्केल की बात करें तो ये 2014 से ज्यादा यूज में है, रेगुलराइज कर दिया गया है। और NACP की बात करें, नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम की, तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग डाला गया है कि आप अपने अपने स्टेट में इसे प्रॉपरली अप्लाई करें। WHO ने रिसेंटली, पहले क्या था कि PM2.5 इसका एक अमाउंट होता है, इसका अमाउंट पहले हुआ करता था 25 माइक्रोन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर 25 माइक्रोन PM2.5 है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते थे, ये खुद 2.5 है, तो P2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 अगर 25 माइक्रोन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है तो काफी ज्यादा वर्स एयर क्वालिटी माना जाता था। WHO ने रिसेंटली अगस्त में इस 25 को 15 कर दिया गया है, और इस 15 करने के कारण पूरा का पूरा इंडिया WHO के अकॉर्डिंग एयर पॉल्यूटेड कंट्री के अंदर आएगा। वैसे भी गाजियाबाद नंबर 2 पर है पूरे वर्ल्ड में, कराची के बाद नंबर 1 पर है कराची। सो एयर क्वालिटी नॉट ओनली डे टू डे लाइफ में कंसर्न है बट ऑल्सो पेपर के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें। एयर क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं, कब कौन सा प्रोग्राम आया, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप। इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो एयर क्वालिटी जरूर पढ़ो, करेंट न्यूज क्या चल रहा है सारा कुछ। एक और चीज मैं मेंशन कर दूं, इंडिया का एक, इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है वही NCAP से, और वो ये रखा हुआ है कि 20 से 30%, उधर स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस दिख गया है, मैं यहाँ लिख देता हूं, 20 to 30% एयर क्वालिटी सुधारना है इंडिया को 2024 तक।
अब सवाल है कि 20-30% कंपेयरिंग टू व्हाट? तो कंपेयरिंग टू 2017, दिस इज द बेस ईयर, और ये एनएएनएसीपी 2019 की का एक टारगेट है। 2024 तक एयर क्वालिटी 20-30% 2017 के कंपेयर में इंडिया ने इंप्रूव करने का टारगेट रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज बहुत कम आर्टिकल है अपने काम का, लाइक आप देख सकते हैं पीएम मोदी कॉल्स, पिनाराई जो केरला के मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली एक कॉर्डियल कॉल तो बनता है, बट इसमें अपने लिए कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक काउंटर आर्टिकल देखिए, फर्स्ट आर्टिकल था केरला में रेनफॉल का, हैवी रेनफॉल का। एक काउंटर आर्टिकल आया है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो सेवन सिस्टर हैं, वो अक्टूबर में भी स्वीटिंग हीट से अफेक्टेड है। वहां पे गर्मी इतनी पड़ रही है कि टेम्परेचर गुवाहाटी जैसे जगह का 37.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यू कैन सी हियर गुवाहाटी रिकॉर्डेड एन एवरेज 7 डिग्री सेल्सियस ओवर 3 डेज। ईटानगर का और बुरा हाल है, ईटानगर का टेम्परेचर 38 के अराउंड पहुंच गया है, आप देख सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में हीट पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, जबकि केरला परेशान है विंटर से। सो रीजन क्या है इसका? रीजन है वेस्ट बंगाल में, जो वे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल और उधर के रीजन है, वहां पे लो प्रेशर का डेवलप होना। यहां आप देख सकते हैं द राइज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू लो प्रेशर सिस्टम इन द वे ऑफ बंगाल। केरला में बारिश हो रही है, रीजन लो प्रेशर इन अरबियन सी। नॉर्थ ईस्ट में गर्मी पड़ रही है विंटर के सीजन में, रीजन लो प्रेशर सिस्टम इन वे ऑफ बंगाल। देयर इज लेस मॉइस्चर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर रिजल्टिंग इन दिस ड्राई वेदर। आईएमडी के रिप्रेजेंट रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर का कहना है। सो सेम कंट्री ड्यू टू डाइवर्स ज्योग्राफिकल पोजिशन, साउथ इंडिया हैवी रेन का सामना कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया गर्मी का सामना कर रहा है, जबकि नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली विंटर सीजन में एंटर कर चुका है, और दैट्स वाई एयर क्लीनिंग और एयर पोल्यूशन की बातें अब खूब जम करके सामने आएगी। जब कभी भी विंटर होता है तो फॉग क्लियरली दिखाई देता है, दैट्स द रीजन। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। स्टेट इलेक्शंस लिमिट्स ऑफ कास्ट बेस्ड स्ट्रेटजी, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं, प्री के व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अ मर्डर मोस्ट फॉल अ फार्म, ये जो फार्मर मूवमेंट चल रहा है वहां पे एक डेड बॉडी मिली थी एक पर्सन की, उस पे लिखा गया है। ए टर्किश फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिंग ऑन ओटोमन, अंकारा कुड सून रियलाइज, अंकारा जो कि टर्की का कैपिटल है, टर्की जो अपने आप को खलीफा मानता है आज भी, कैलिफ का चीफ मानता है आज भी, that domestic divisions and economic fragility are what will determine its regional influence. Foreign policy के view से ये important है, जब आप foreign affairs करते हैं या current affair करेंगे mains के लिए important है। बाकी आपको पता ही है Turkey कौन से country को touch करता है, कौन से ocean को touch करता है, pre के लिए कुछ खास important नहीं है except Turkey का geographical location. Alarming hunger or statistical artifact, आपको याद होगा इंडिया को हंगर इंडेक्स में 101 नंबर पोजीशन पे रखा गया है, और ये हंगर इंडेक्स लाता कौन है, एक जर्मनी का है, जर्मन वॉच है, और दूसरा स्वीडिश है, ये एक हंगर वर्ल्ड वाइड वाले हैं, इनका
जो डाटा आया है इंडिया के लिए वो काफी मैनिपुलेटेड माना जा रहा है। इंडिया ने इसमें एक ऑब्जेक्शन रेज किया है कि जैसा इंडिया को प्रोजेक्ट किया गया है 101 नंबर पर ग्लोबल 100 इंडेक्स में, ये सही नहीं है। उसी पे ये डाटा है, उसी के बारे में ये कहा गया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज प्री के लिए केवल इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया था, मैलनरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए प्री के लिए। मेंस के लिए ये इकोनॉमी पार्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है या गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड चीजों में हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं बार बार आपको कहता हूं, हम केवल उसी पे फोकस करते हैं। एक आर्टिकल आया है पावरिंग द एनर्जी सेक्टर, पावरिंग द एनर्जी सेक्टर। अभी रिसेंटली कोल को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ था। 2020 में जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है उसे गेम चेंजर कहा गया है इस आर्टिकल में। एक नजर डालते हैं कि ऐसा क्या है उसमें। द वाइड रेंजिंग प्रोविजंस ऑफ द विल विल सेट द प्रोसेस ऑफ डी लाइसेंसिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द मोनोपोली ऑफ स्टेट इज डिसमेंटल्ड। पहला प्रोविजन ये है कि जो डिस्कॉम है इनके इनको डी लाइसेंस्ड किया जाएगा। इनको डी लाइसेंस किया जाएगा किसके थ्रू? इनको किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट का पावर ले लिया जाएगा कि अब आप लाइसेंस नहीं बांटेंगे, अपने आप फेवरेटिज्म नहीं कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट गवर्नमेंट की मनमानी के कारण इतना वर साल हुआ था कि डिस्कॉम जितने भी थे सारे डिसमेंटल्ड स्टेट में आ गए थे। सबको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से पुश किया है, बहुत सारे प्रोग्राम लाए। उज्ज्वला याद होगा आपको, वो गैस वाला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी। तो एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन ये है कि डी लाइसेंसिंग पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट को डी लाइसेंस्ड करो। दिस विल प्रोवाइड द कंज्यूमर्स विद एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द सर्विस प्रोवाइडर, स्विच देयर पावर सप्लायर, इनेबल द एंट्री ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर वाई रिजल्टिंग इन इंक्रीज कंपटीशन। इफिशियंसी लाना है सिस्टम में, कंपटीशन को प्रमोट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि फेवरेटिज्म को स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फेवरेटिज्म के लिए, उसे डी लाइसेंस पावर, डी लाइसेंस ऑथोरिटी किया जाए, उसकी ऑथोरिटी को लाइसेंस प्रोवाइड करवाने का अधिकार ले लिया जाए उससे। दिल्ली हैज रिड्यूस्ड एटी एंड सी लॉसेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 55% इन इतना टू इतना। एक एग्जाम्पल के साथ ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या फायदा है। प्राइवेटाइजेशन डिस्कॉम इन दिल्ली ने 55% लॉसेस सीधा 9% पर आ गया है केवल 18 साल में, तो ये अच्छी बात है। ओपन एक्सेस फॉर परचेजिंग पावर फ्रॉम द ओपन मार्केट शुड बी इंप्लीमेंटेड। जब मार्केट की बात की जाएगी, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में इफिशियंट डिस्कॉम लाने के लिए, कंपटिटिव डिस्कॉम बनाने के लिए, कंपटिटिव मार्केट बनाने के लिए, कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए वो सारी चीजें लाई गई हैं, वो सारे प्रोविजंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को रियल सेंस में एक कंज्यूमेबल, एक कंज्यूम करने लायक ऑब्जेक्ट बनाएगा आम आदमी के लिए। आप डिटेल में चाहें तो पीआईबी के साइट पर इस एक्ट को जाकर पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी कवर्ड अंडर जीएसटी विद ए लोअर रेट ऑफ जीएसटी। अब तक ये नहीं है जीएसटी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप ध्यान रखें, तो ऐसा कहा गया है कि उसे आना चाहिए, जीएसटी में लाना चाहिए उसको। डिस्पाइट इज इन इनहेरेंट बेनिफिट द सेगमेंट हैज शोन रिलेटिव स्लो प्रोग्रेस इन विद एस्टिमेटेड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5-6 GW। GW मेगावाट से बहुत ज्यादा होता है। एज ऑन डेट वेल शॉर्ट ऑफ द 2022 टारगेट। 2022 का जो टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी का, उससे अभी 5-6 GW हम काफी पीछे चल रहे हैं, और 5-6 GW बहुत ज्यादा होता है। डिटेल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को जाकर पीआईबी के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस आर्टिकल से जाएं केवल कि स्टेट का जो पावर है लाइसेंस इशू करने का, उसे कैंसिल किया जाएगा, उसे वापस ले लिया जाएगा। एक प्री के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट इंडेक्स ना केवल किसी को बाहर जाने का एक मीडियम होता है, बल्कि उस पर्सन के कंट्री का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ओवरऑल साइकोलॉजिकल
एक स्टेटस रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के सामने। सपोज कीजिए कि यूएसए का पासपोर्ट, यूएसए को अगर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर वन पे रखा गया तो इसका मतलब होगा कि वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं वो सब अलाउ करेंगे यूएसए को। पाकिस्तान का अगर रखा गया 192 पे, 192 पे, मैं रैंक की बात नहीं, रैंक की बात कर रहा हूं, वो कंट्री विथ, यहां आप मत देखें कि कंट्री विथ वीजा फ्री एक्सेस 192 है जापान का, क्योंकि जापान और सिंगापुर नंबर वन पर है, हमेशा से नंबर वन पे रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ये जापान और सिंगापुर ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया का अगर इसमें पोजीशन देखा जाए तो इंडिया को 90th पोजीशन मिला है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, 90 नंबर पर है इंडिया तजाकिस्तान के साथ। कुछ कंट्रीज जो हमसे आगे हैं उन्हें अगर देखा जाए जिन्हें नहीं होना चाहिए था और वो लेकिन हमसे आगे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवाकिया है, इनफैक्ट तजिकिस्तान को अपने साथ रखा गया है ना, इंडिया पासपोर्ट इंडेक्स में तजिकिस्तान के साथ है। कभी कभी प्री में घुमाकर पूछ दिए जाते हैं कि 90 नंबर पे ये दो कंट्री हैं, ये तीन कंट्री हैं, एक नंबर पे जापान सिंगापुर एक साथ, 90 नंबर पे इंडिया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सारे आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, मैं बार बार याद दिलाता हूं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक आर्टिकल आया है इंडिया यूएस मिलिट्रीज मैच स्किल्स, इंडिया यूएस मिलिट्रीज मैच स्किल्स इन अलास्का। अलास्का यूएसए में एक जगह है जहां पर इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज कर रही है। आपको नाम होगा, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। ये किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। तो प्री के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप यूएस इंडिया रिलेशन में इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मालाबार ट्राइबल ट्राइलेटरल याद होगा, इंडिया यूएस जापान, समटाइम इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान। कुछ खास और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। इंडियन टूरिस्ट हेल्प मालदीव्स रिकवर फ्रॉम पैंडेमिक ब्लूज। मालदीव जो कि इंडियन ओशियन में एक सिचुएटेड कंट्री है, इंडिया के कारण, इंडियन हेल्प, इंडियन टूरिस्ट के हेल्प के कारण, इंडियंस पसंद करते हैं मालदीव जाना, इसके कारण जो कोविड-19 के टाइम पे लॉस हुआ है मालदीव को उसे रिकवर करने में मदद मिल रहा है इंडियन टूरिस्ट के कारण, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मालदीव का लोकेशन, मालदीव का इंडिया के साथ रिलेशन, मालदीव में होने वाली फिनोमेना लाइक वहां का प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो है क्या उसे हाल फिलहाल में लाया गया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चिल्ड्रेंस वैक्सीनेशन स्टील अवे। गवर्नमेंट का कहना है कि चाइल्ड वैक्सीनेशन 2 से 18 एज वाले को लेकर के हाल फिलहाल में कोवैक्सीन को लाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि अभी वो दिन दूर है। यूनियन गवर्नमेंट विल टेक ए फाइनल डिसीजन ऑन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट अगेंस्ट कोविड-19 ऑन बेसिस ऑफ ओवरऑल साइंटिफिक रेशनल एज वेल एज द सप्लाई सिचुएशन ऑफ वैक्सीन अवेलेबल फॉर दोज बिलो एज ऑफ 18। रीजन क्या है, रीजन होता है डिफरेंट डिफरेंट जो कैपेसिटी होती है टॉलरेट करने की एक्सटर्नल वैक्सीन को, वैक्सीनेशन चाइल्ड को कर दिया जाए तो उनका इम्यूनो सिस्टम एक यंग पर्सन के इम्यूनो सिस्टम से अलग होता है। सो यू कांट एडमिनिस्टर कोवैक्सीन साइमल्टेनियसली अ यंग पर्सन एंड ए चाइल्ड। बीके पॉल काफी नाम में रहते हैं, टास्क फोर्स के चीफ हैं ये कोविड-19 के, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ना भूलें, वीके पॉल का, नीति आयोग से भी जुड़े हुए रहे हैं। आप डिटेल में चाहें तो पढ़ सकते हैं एक बार, एक टर्म यूज हुआ है नटागी,
ये नटागी कुछ और नहीं बल्कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और इम्यूनाइजेशन है। नटागी का नाम है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, और ये जो एडवाइजरी ग्रुप है गवर्नमेंट को एडवाइज करती है कि कौन सा वैक्सीन किस वायरल डिजीज के लिए इफेक्टिव हो सकता है। करेंटली 3 वैक्सीन लाइन में है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5। इसके अलावा जो जायडस का कैडिला है ये भी इंडिजियसली डेवलप्ड है, ये भी लाइन में है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड कर पाई है क्योंकि उसके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो विदाउट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चीज को नहीं किया जा सकता कि कोई भी वैक्सीन उठा करके बच्चों को दे दो। इनफैक्ट वैक्सीन डेवलप होने में कम से कम 3 स्टेज होते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के। पहले उसे लाया जाता है और 1-2% इंसान से पहले उसे हम किसी और जानवर या इस टाइप के किसी एनिमल पे, किसी भी एनिमल पे हम उसे एडमिनिस्टर करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं नटागी के बारे में। नटागी पेपर के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एक एडवाइजरी कमेटी है और केवल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी पे ये एडवाइस देती है। नटागी एक WHO रिकमेंडेड बॉडी है। तो नटागी का जो भी है एडवाइस इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी फिलहाल 151 कंट्री नटागी को रिपोर्ट करते हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं किसके एडवाइस को मानते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओनली 3.9% चिल्ड्रेन मेल न्यूट्रिस्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के है कि जितना तुम इंडिया में स्टंटेड और वेस्टेड और मेल न्यूट्रिस्ट दिखा रहे हो उतना है नहीं। एज पर गवर्नमेंट ऑन रिपोर्ट ओनली 3.9% आंगनवाड़ी चिल्ड्रेन मेल न्यूट्रिस्ट है हमारे कंट्री में, और उनका डाटा कुछ और ही कहता है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, पब्लिक को ये बताने के लिए है कि गवर्नमेंट अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रैंकिंग का अपोज कर रही है तो वो गलत नहीं है, वो सही कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है GHI का डाटा इन्फ्लेटेड है। तमिलनाडु पुलिस वार्न ऑफ लाइकली अटैक ऑन फिशरमैन। श्रीलंका और लिट्टे का रिलेशन, हालांकि अब लिट्टे धीरे धीरे गुम हो गया है, बट आफ्टर 1947 वाले सिलेबस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पार्टी पॉलिसी का तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ अब भी क्वेश्चन आता है कि AIADMK या DMK ये कब बना था। आप कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको पता हो। मैं इतना हिंट देता हूं कि AIADMK और DMK इन दोनों में से एक का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो आजादी के पहले था, 1947 के पहले था, और ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है UPSC में। तो आप मुझे बताएं कि AIADMK या DMK कौन बना था बिफोर इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के काफी डांटने डपटने के बाद एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल का नाम है eshram.government.in, और रिस्पॉन्स देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कि 4.15 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आएगा। गवर्नमेंट ने लेबर कोड अभी मॉडिफाई किया है, 3 लेबर कोड केवल लाया हुआ है। जो टोटल लेबर लॉज हैं कंट्री में सबको एक जगह कर दिया है केवल 3 लेबर कोड में। जब कोविड का टाइम चल रहा था तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी कवर, सोशल सिक्योरिटी कवर काफी कम है हमारे कंट्री में। सुप्रीम कोर्ट को जब ये पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फटाफट एक पोर्टल बनाओ और वहां रजिस्टर करो सबको, तब अपने पास एक डाटा होगा, फिर हम उनके लिए एक प्रोग्राम बना सकेंगे। सो अभी तक 4.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है
और बहुत पहले लॉन्च नहीं किया गया था, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है लॉन्च किए हुए। पोर्टल को लॉन्च किया गया था अगस्त 26 को। इम्पोर्टेंट है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स से रिलेटेड चीजें। बढ़ते हैं आगे, और आज का सनसनीखेज न्यूज जो है इम्पोर्टेंट सबसे है वो है, चाइना ने टेस्ट किया था एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल। पहले हम न्यूज आर्टिकल को देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे कि ये हाइपरसोनिक होते क्या है। फर्स्ट गो फॉर न्यूज आर्टिकल। यूएसए का कहना है कि चाइना ने एक मिसाइल, और अब खुद भी चाइना भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज पेपर है, उस न्यूज पेपर फाइनेंशियल टाइम्स, उसका कहना है कि चाइना ने कुछ दिन पहले एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया था, और उस मिसाइल ने पूरे वर्ल्ड का पहले एक राउंड लगाया और फिर टारगेट की तरफ गया। हालांकि वो टारगेट कुछ माइल से मिस कर गया, बट ये अपने आप में बहुत सोचने वाला, कंसर्न, डीपली कंसर्न मैटर है वर्ल्ड के लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए जो डेमोक्रेटिक हैं और जो पीसफुल एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की। हाइपरसोनिक का मतलब होता है मैक नंबर 5। मैक नंबर 5, ये मैक क्या होता है? साउंड को मैक दिया जाता है 1। ये साउंड का स्पीड मेजर करने का एक यूनिट है, तो साउंड का मैक 1 है और हाइपरसोनिक का मैक 5 है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल साउंड के स्पीड से 5 गुना ज्यादा ट्रेवल करेगा, 5 टाइम। ये कई 100 माइल 1 आवर में जा सकता है। एक होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक का छोटा भाई है, ऐसा समझ सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हाइपरसोनिक तब कोई बन सुपरसोनिक हाइपरसोनिक तब बन जाता है जब वो एस्ट्रॉयड ले ले। एस्ट्रॉयड मालूम होगा आपको, प्लेयर सब लेते हैं, एथलीट लेते हैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर एक सुपरसोनिक एस्ट्रॉयड ले ले, कंज्यूम कर ले, तो वो हाइपरसोनिक बन जाएगा। हाइपरसोनिक का मतलब है मैक नंबर 5। सबसे ज्यादा कंसर्न यूएसए को है, क्योंकि उसका अकेले का सब कुछ रहा है, जो भी करे सब कुछ हाईएस्ट लोएस्ट सब कुछ उसका होना चाहिए, ऐसा यूएसए का मानना है। तो चाइना को वो कैसे वेयर कर सकता है? बात करते हैं अगले आर्टिकल की। एक आर्टिकल आया है, फुकुशिमा वेस्ट वाटर रिलीज कैन नॉट बी डिलेड। फुकुशिमा जापान में एक आइलैंड है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर जापान ने एस्टेब्लिश किया था। 2011 में सुनामी आया और आप न्यूक्लियर रिएक्टर को अपने साथ समुद्र में ले गया। ये चेर्नोबिल के बाद, जो कि 1986 में हुआ था रसिया में, चेर्नोबिल का जो हुआ था वैसे 84 में अपने कंट्री में भी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजडी, वो न्यूक्लियर नहीं था बट न्यूक्लियर से कम भी नहीं था। 1986 में चेर्नोबिल, बहुत बार प्री में आया है मैट्रिक्स मैच में, चेर्नोबिल का घटना हुआ। 2011 में फुकुशिमा का हुआ, उसके बाद जापान ने कान पकड़ दिया, उसने बोला हमें न्यूक्लियर होना ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, हम सोलर विंड और ये हाइडल इन सब से काम चला लेंगे। तो ये फुकुशिमा उसी से रिलेटेड है, जो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के वेस्ट वाटर थे उस पर सवाल है कि उसको रिलीज किया जाए कि नहीं किया जाए। जापान के पिछले 1 साल में 3 प्रधानमंत्री चेंज हो चुके हैं, मतलब ये तीसरे नंबर वाले आने वाले हैं, तो इनके पीएम का नाम आप याद रखिएगा। फिलहाल तो अभी यही है किसीदा, पूरा नाम अगर याद नहीं हो केवल किसीदा याद हो, किशोरदास जैसे थे वैसे किसीदा, तो आप वहां क्लिक कर सकते हैं। रसिया वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया है जिसने स्पेस में जाकर के मूवी शूट किया है। ये वहां की एक अभिनेत्री हैं, हीरोइन है, यूलिया पेरेसिल्ड, ये वहां पे 12 दिन बिताकर आई है स्पेस में। स्पेस का मतलब है यहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। आज इकोनॉमी के आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, इकोनॉमी का इनफैक्ट एक तरीके से आर्टिकल ही नहीं आया है, जो द हिंदू आपके और हमारे सामने है उसमें।
स्पोर्ट्स में बात करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, आईओसी वाइसेस कंसर्न एट फीफा वाइनियल डब्ल्यूसी प्लान। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा कि ये सारा कुछ मोनोपोलाइज कर सकता है एनीथिंग। इसका चेयरमैन कौन है, स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और अब तो यूपीएससी भी इंटरेस्ट लेने लगी है स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में। इसी बार तीन तीन क्वेश्चन आए उससे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। फीफा प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेंटिनो, ये ज्ञानी हिंदी वाला ज्ञानी नहीं है, इंडियन नेम नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए तो पढ़ा जा ही सकता है ना। मेंस में इसको तो मेंशन करना है नहीं कि फीफा के प्रेसिडेंट ये हैं, उन्होंने ये कहा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। तो ज्ञानी इन्फेंटिनो, इससे अच्छा नाम और क्या होगा, इसे आप याद कर लीजिए, फीफा के प्रेसिडेंट है। और आईओसी के चीफ है थॉमस वॉच, ये अभी रिसेंटली काफी चर्चा में रहे थे, तो इनका नाम एक दो स्टेट पीसीएस ने पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम कर रहा है, हमें उस ब्लेम में नहीं पड़ना है, हमें इनके प्रेसिडेंट के नाम, आईओसी के चीफ थॉमस वॉच, फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फेंटिनो। आज के आर्टिकल में इतना ही है, मिलते हैं कल 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को, नए आर्टिकल में नए न्यूज एनालिसिस के साथ।